किया सबसे पहले? ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है लड़कियों को सजने के लिए, बट आई थिंक थैंक्स टू माय फ्रेंड आवेश ददलानी जिसने मुझे इतना सुपर लहंगा दिया है. ही इज़ वेरी गुड विथ स्पेशली लहंगा, सो आई थिंक मुझे जब भी कुछ लहंगा पहनना होता है स्पेशली तो आई ऑलवेज कॉल हिम. एंड लाइक यू कैन सी इट्स अ नाइस सॉफ्ट कलर विथ अ नाइस रेड बॉर्डर, सो आई लव लहंगाज, आई लव इंडियन वेयर एक्चुअली, यू नो, चाहे वो सलवार सूट हो या लहंगा हो या साड़ी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने के लिए. तो आई थिंक किया, और ये इंडियन फेस्टिवल है, अगर इंडियन तरीके से सेलिब्रेट ना किया जाए, उस तरीके से यू नो सजे ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है. अच्छा, क्या कुछ शॉपिंग की थी इसके पहले, मतलब दिवाली आने से पहले क्या कुछ, किस तरह का माहौल रहता है शॉपिंग, या फिर किस तरह की तैयारियां चलती है? ऑफ कोर्स शॉपिंग तो रहती है, जैसे आप देखोगे मेरे घर में कंदिल, यू नो, ये ऑफ कोर्स इसके अंदर लैंप नहीं है, बट ये जो शाइनी है, मेरे घर में बहुत लाइट्स है, तो ये लाना पड़ता है, ये लाइटिंग्स करनी पड़ती है. फिर ये गेंदे के फूल मैंने लाए हैं ऑरेंज कलर के टू डेकोरेट, बिकॉज यू नो थोड़ा फूल और कैंडल्स घर में होते हैं तो हमेशा घर खूबसूरत लगता है. ये है मेरे पास रेडीमेड रंगोलीज है, जैसे आपने देखा मेरे घर के बाहर दो रंगोली लगी है, मुझे बहुत पसंद है, पर वो बैठ के नहीं कर सकते और फिर वो क्लीनिंग में पता है सब ख़राब हो जाता है, तो मैं रेडीमेड लाती हूँ ताकि ईजिली आप लगाओ और फिर आप वो वापस अपने पास रख के हमेशा उसे यूज़ रिसाइकिल करते रह सकते हो. तो आई थिंक हाँ, ये सब करती हूँ मैं, बहुत सारे कैंडल्स लगाती हूँ, पूरा घर मेरा सिर्फ कैंडल्स होता है. सो आई थिंक हाँ, इस तरीके से मैं अपना यू नो कपड़े होते हैं खुद के लिए, मेरी मॉम के लिए, तो हम अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं. अच्छा, अभी जो यहाँ पर आपने रंगोली की थी जी, उसके बारे में कुछ बताइए. मैंने एक दिल की रंगोली बनाई है फूल से, और एक ये मेरा जो डाइनिंग है उसे डेकोरेट किया है, तो मुझे बस इतना ही आता है रंगोली बनाने, और जो वो रेडीमेड छन्नी से हम बनाते हैं मैं उस पर कर सकती हूँ, बट ऐसे हाथ से उतना आर्टिस्टिक मैं अभी तक हुई नहीं हूँ. बट आई रियली लव दैट, मुझे बचपन से ही रंगोली इतनी पसंद थी. जब मैं छोटी थी और पुराने घर में रहती थी तो बाहर सब लोग रंगोली बनाते थे, मैं रोज़ घर से निकल के, मैं थर्ड फ्लोर पर रहती थी, मैं पूरा थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ सीढ़ियों से उतरती थी सबकी रंगोलियाँ देखने के लिए कि आज किसने क्या बनाया, आज किसने क्या बनाया. और लोग बहुत सिर्फ डिज़ाइंस नहीं बनाते, कुछ यू नो ग्राफिक्स बनाते हैं, कोई एनिमल्स बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं बचपन से ही यू नो मुझे रंगोली बहुत फैसिनेट करती थी, तो मैं हर जगह जाके देखते रहती थी. मैं ड्राइंग में बचपन में बहुत अच्छी थी, अब नहीं हूँ, तो हाँ ये एक रीज़न है जो मुझे रंगोली बहुत पसंद है.